हेलो बच्चों, कैसे हो? मी फाइन, मी टू। तो चलो हम एक कहानी सुनाते हैं। ओके। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत सारा जानवर रहा करते थे। एक पेड़ में एक बगुला रहा करता था, उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहा करता था। एक दिन सांप उस बगुला का अंडा खा गया था, जिस वजह से बगुला बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन उसका अंडा फिर से हुआ, फिर से सांप ने उसका अंडा खा गया। फिर बगुला केकड़े से मदद मांगने के लिए गया। क्या हुआ? हाँ, तो फिर केकड़ा बोला कि मैं तुम्हारा मदद करूँगा, मगर तुम हमारे बच्चों को नहीं खाओगे। तो बगुला अपने मन में सोचा कि मैं तो इसे झूठ कह देता हूँ, मगर मैं इसका बच्चा खा जाऊंगा। फिर वो झूठ झूठ उसे कहता है, ठीक है केकड़े, मैं कभी तुम्हारा बच्चा नहीं खाऊंगा। तो केकड़ा उसकी नीयत समझ जाता है। फिर केकड़ा थोड़े देर सोचता है, मगर फिर वो बगुले को कहानी बता देता है। फिर बगुला वैसा ही करता है। गोरिल्ला के गुफा में जाकर बगुला अपने दोस्तों के साथ मिलकर मांस खोजता है और मांस अपने पेड़ तक पूरा बिछा देता है। फिर गोरिल्ला थोड़े देर बाद निकलता है गुफा से, वो मांस का पीछा करने लगता है। खाते खाते वो बगुला के पेड़ तक पहुंच जाता है, फिर वहीं सांप को भी वो खा जाता है। बगुला ये सब देख के खुश होता है, फिर गोरिल्ला उसको भी देखकर उसको भी खा जाता है। इस कहानी से क्या पता चला हमें? मैम मैं बताऊंगी। ठीक है, बताओ तुम। शायद हमें इस कहानी से ये पता चला कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ वो तो है, साथ ही साथ हमें नियत को भी साफ रखनी चाहिए। हाँ तो चलो हम सब एक ओथ लेते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ तो दोस्तों, आप भी अपनी नियत साफ रखें और झूठ ना बोलें। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।